हेलो एवरीवन, आज फ्राइडे चैलेंज में मेरी फिफ्थ वीडियो है। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूं, आज द टेम्पटेशंस में बन रहा है सबसे आसान और सबसे डिलीशियस चिली चीज टोस्ट। ये बनाने में जितना सिंपल है खाने में उतना ही लाजवाब है। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक पैन को स्लो फ्लेम पर रखेंगे और इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून बटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का हल्का भून लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे एक फाइनली चॉप्ड अनियन। लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक ना खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर चिली चीज़ टोस्ट का एक्चुअल फ्लेवर लेना है तो इसे ज़रूर डालें। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सॉटे करना है जिससे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। प्याज हल्का हल्का भून गया है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गैस से उतार लेंगे। अब एक बाउल लूँगी और इसमें डालूँगी चॉप्ड कैप्सिकम, ये अंदाजन 3 टेबलस्पून के करीब है। इसमें डालेंगे प्याज जो भून के रखा था, बेल पेपर, मैंने पीली और लाल बेल पेपर यूज़ की है, आप चाहें तो कोई सी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली स्वाद अनुसार, इसमें डालें चीज़, मैंने डाइस चीज़ का यूज़ किया है, आप कोई भी प्रोसेस चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसमें दिल खोल कर डालें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। 1 टेबलस्पून डालेंगे बटर, बटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि बटर चीज़ को स्प्रेड होने में हेल्प करता है, इसलिए बटर ज़रूर डालें, बाकी एज पर योर चॉइस। सारे इंग्रेडिएंट्स हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि वेजेस मिक्स हों, मैश ना हों। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना थिक मिक्सचर है, इसीलिए मैंने प्याज को हल्का सॉटे करके डाला है, क्योंकि अगर हम कच्चा प्याज डालते तो मिक्सचर पतला हो जाता। कोई भी पानी वाली सब्जी अगर आप इसमें डालते हैं तो उसे सॉटे करके पानी ड्राई होने के बाद ही यूज़ करें। मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है, आपने नोटिस किया होगा मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट या पेपर नहीं डाला है, लेकिन यदि आप अनसॉल्टेड बटर या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो सॉल्ट और पेपर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब चिली चीज़ टोस्ट तैयार कर लेते हैं, साइड बाय साइड अवन को भी ऑन कर देंगे। मैंने यहाँ आटा ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले रखेंगे एक चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर जो मिक्सचर बना के रखा है उसे स्प्रेड करेंगे। मैंने सारी ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं, अब बेकिंग डिश को ग्रीस करेंगे और सारे ब्रेड स्लाइसेस उस पर सेट कर देंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही कितने अच्छे चिली चीज़ टोस्ट बन कर के तैयार हुए हैं। अब हम इसे ओवन में से निकाल लेंगे। वाव, कितने अच्छे चिली चीज़ टोस्ट बन के तैयार हुए हैं, है ना, कितना आसान और सिंपल स्टार्टर। मैं एक चीज़ लवर हूँ इसलिए मेरा तो ये फेवरेट है, क्या आप भी चीज़ लवर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब द टेम्पटेशन में बना है तो सजाना तो बनता है, तो लीजिए हमारा चिली चीज़ टोस्ट 5-7 मिनट में ही बन करके तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपने मेरी सारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब बारी है इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मिक्सचर में कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट या पेपर नहीं डाला है, वो इसलिए क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर और चीज का यूज किया था,
और साथ ही मैंने टेस्ट के लिए डाली थी ग्रीन चिलीज। अगर आप भी ग्रीन चिलीज और सॉल्टेड बटर चीज डाल रहे हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट या पेपर डालने की जरूरत नहीं है। नंबर टू, चिली चीज टोस्ट के मिक्सचर में कोई भी वेजिटेबल जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, जैसे कि आलू, टमाटर, गाजर एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी वेजिटेबल ना डालें, नहीं तो आपके चिली चीज टोस्ट का टेक्सचर और टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा। नंबर थ्री, अगर आपको आपका मिक्सचर टेस्ट में थोड़ा फीका लग रहा है तो चिली चीज टोस्ट सर्व करने से पहले उसके ऊपर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लें। लेकिन अगर आपने मेरी तरह चीज प्रॉपर क्वांटिटी में डाला है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान से देख लिया होगा। अब जाते जाते आने वाली वीडियो के क्लिप्स और उसके इंग्रेडिएंट्स देखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे ठीक शाम 7 बजे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।